अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाली जिप्सी चालकों और वन कर्मियों के बीच विवाद बना हुआ है। इस विवाद के कारण जिप्सी चालकों और गाइडों ने कार्य बहिष्कार भी किया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत करवा दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों टाइगर की फोटो लेने के विवाद में जिप्सी चालक और वन कर्मियों में हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद वन कर्मियों ने जिप्सी चालक को उपवन संरक्षक का हवाला देकर सरिस्का कार्यालय बुलाया, जहां पर वन कर्मियों ने जिप्सी चालक से मारपीट भी कर दी थी। तो वहीं घटना के विरोध में जिप्सी चालकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था, जिसके चलते सरिस्का प्रशासन को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा था। कल हमारे एक वाहन चालक द्वारा जो भी उससे गलती है तो उसका समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे वाहन चालक के साथ में जो अभद्र व्यवहार, जो मारपीट वगैरह की, बहुत गलत की है। उसको हम एक बार डीएफ साहब से मिलवा दे, डीएफ साहब बोले ठीक है, फिर उसको घर से फ़ोन करके बुलाएगा। उसके साथ में जो वन विभाग के जो कर्मचारी है उन्होंने ला के उसके साथ बहुत मारपीट की। हमने रात को उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है। कल जो हमारे ड्राइवर के साथ जो घटना हुई है उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है जी, और उसके लिए हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे ड्राइवर हो चाहे फॉरेस्ट का कर्मचारी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।